झुंझुनू में एक विवाहिता को बेटे की चाह में ससुराल पक्ष ने दूसरे पुरुष के हवाले कर दिया और इसका विरोध करने पर उन्होंने महिला के साथ जमकर मारपीट भी की, जिसके बाद अब महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। ऐसी बेहुदा सोच रखने वाले और महिला से मारपीट करने वाले ये लोग सुल्ताना के रहने वाले हैं और वर्तमान में पीपली चौक में रह रहे हैं। जानकारी की माने तो महिला के 3 बेटियां हैं और ससुराल पक्ष के सदस्य उससे बेटे की उम्मीद पाले बैठे हैं और ऐसी उम्मीद के बीच परिजनों ने महिला को घर के ही दूसरे सदस्य के हवाले कर दिया और विरोध करने पर जमकर मारपीट की। इधर पीड़िता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। मेरे साथ जबरदस्ती करके मारे गए, सब घर और सब ने मिलकर मारा मैंने। सुल्ताना से रिपोर्ट आई थी हमारे पास, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करवाया है अब्दुल हमीद पीपली चौक झुंझुनू ने अपनी पच्ची के साथ मारपीट।